परी हो। तिमनासा का अंत करने का श्रेय जितना मुझे और विवान को जाता है उतना ही आपको भी जाता है, क्योंकि आपके बलिदान के बिना हम ये अंतिम युद्ध कभी नहीं जीत पाते। वीर लोक और धरती लोक आपके इस बलिदान की हमेशा ऋणी रहेगी। फिक्र मत करो बालवीर, क्योंकि मस्ती ज्वाला और वायु परी बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। सच शौर्य? कब? हर चीज का एक उचित समय होता है बालवीर। परियों के वापस लौटने का भी एक उचित समय आएगा, क्योंकि परियां ऊर्जा का स्रोत होती हैं और ऊर्जा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सही कहा आपने शौर्य, हर चीज का एक उचित समय होता है। मुझे परियों का इंतजार रहेगा। शौर्य, मुझे लगता है सही समय आ गया है नकाबपोश के नकाब को हमेशा के लिए उतारने का और सबको सच्चाई बताने का। नहीं बालवीर। लेकिन क्यों शौर्य? इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? तुम्हारा सा कांत हो चुका है, हमने काल लोग को भी तबाह कर दिया, तो फिर अब नकाबपोश के नकाब की क्या जरूरत? बुराई के वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होती हैं बालवीर। तिमनासा इस वृक्ष की सिर्फ एक डाल थी, जल्दी ही बुराई फिर से अपना सिर उठाएगी और तब नकाबपोश का ये रूप हमारे काम आ सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त विवान को बहुत सारे राज एक साथ पता चले हैं, कि उसकी एक नई मां है, उसकी एक नई बहन, उसका जन्म श्वेत लोक में हुआ था। अगर अभी उसे पता चला कि नकाबपोश भी एक छलावा था तो उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। हाँ, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं शौर्य। अभी हम नकाबपोश के राज को राज ही रहने देते हैं, उचित समय आने पर मैं खुद विवान को बता दूंगा। ठीक है बालवीर, तुम विवान को यह सच सही मौका देखकर बताने की कोशिश करो, लेकिन एक बात याद रखना, यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। वाओ, आज सुबह की हवा में कुछ अलग सी फ्रेशनेस है। ओएनू, क्योंकि इस हवा में टिम्मी आंडी की बुराई की स्मेल नहीं है। यस, व्हाट? ये सर्वकाल की लेफ्ट ओवर एनर्जी मेरी बॉडी से इंस्टॉलमेंट में क्यों निकल रही है? अरे मम्मी, अब ये साफ सफाई क्यों कर रही है? अरे गणेश चतुर्थी आने वाली है ना बेटा, उसकी तैयारी कर रही हूँ। क्या ग्रेट टाइमिंग है, उधर डेमी आंटी के बाबू का विसर्जन हुआ और इधर गणेश जी का फेस्टिवल। बैड टाइम गॉन, गुड टाइम लॉन, कूल। तू खड़े खड़े क्या हंस रहा है? जाना ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जा और मेरी हेल्प करा। जा, वहाँ पे टेबल पे हलवा रखा है, खा ले। करुणा आंटी, अरे नमस्ते देवकी जी, आइए आइए। आप लोगों को नए घर में सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? हो गए आराम से? कहाँ, दो दिन से तो सिर्फ सामान ही अनचेक कर रहे हैं। अब मॉम का मतलब है अनपैक? हाँ हाँ, वही अनपैक। इसलिए बाजार जाकर खरीदारी करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आंटी थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर मिलेगा क्या? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, अभी लाती हूँ। मेरा बेटा। कैसे हो तुम? कल तुम अपनी इस माँ से सिर्फ दो बार मिलने आए थे, अपनी इस माँ को मिस नहीं करते हो तुम? ये लीजिए। वैसे क्या बात हो रही थी?
कुछ नहीं, वो मॉम बोल रही थी कि अगर मैं उनका सामान अनपैक करने में मदद कर दूं तो अच्छा रहेगा। मॉम? वो एक्चुअली आंटी मैं मम्मी को मॉम बोलती हूँ ना, तो मेरे देखा देखी विवान ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया। निकल गया वो। ये भी तो मेरे छोटे भाई जैसा ही है ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो क्या है ना नन्हे दीदी कि विवान को पसंद नहीं कि कोई इसके बाल ऐसे हाथ लगाए। हाँ। अच्छा करुणा जी हम चलते हैं, धन्यवाद शक्कर और नमक के लिए, आप भी आइएगा हमारे रूम। रूम? अब मॉम का मतलब है होम, होम स्वीट होम। हाँ वही, आइएगा जरूर जी। मम्मी आपको नहीं लगता कि वो अनन्या दीदी और उनकी मॉम कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार कर रही है विवान के साथ? अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि विवान हमारा प्यारा भाई है, एकदम क्यूट है टेडी बियर की तरह, और इसलिए सब इसके फैन हो जाते हैं। वो तो है। अच्छा हुआ देबू तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए भी हलवा निकाल देती हूँ। विवान मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ। चलो विवान। हाय। हाय। घर के बाहर गणपति फेस्टिवल के लिए मीटिंग होने वाली है, लेट्स गो। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ? ऑफ कोर्स दीदी, चलिए। अब लगता है बाहर जाकर ही बात करनी पड़ेगी। विवान याद है लास्ट टाइम गणेश फेस्टिवल में तुमने क्या डांस किया था? विवान ये कोई नया डांस स्टेप है? अब अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना गणेश फेस्टिवल आ रहा है तो उसी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ ना, इसलिए बॉडी में डट के आ रहे हैं और मिट्टे। चलो। ओ हाय विमान, मैं ही सोच रहा था कि इस साल के पंडाल का चंदा तुम ही कलेक्ट कर लो। वो क्या है ना हर साल की तरह मैं इस बार भी लड़ना नहीं चाहता हूँ कि कौन चंदा कलेक्ट करेगा। ओके चलो बाय। क्या मैंने सही सुना? क्योंकि ये चिंटू कभी कोऑपरेट करता नहीं है और आज गुड फेलो की तरह गिव अप करके चला गया। सुतली इसके गुडनेस के पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है, लेट अस वेट, ये अपने ट्रू कलर जरूर दिखाएगा। ये ले शुरू कर दे काम, वहां से जा। ओ छोकरा शू करे चावे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ने। ए भाई उधर उधर करना उधर। ओ, ओ भाई इधर इधर इधर। अरे दिवाली काला उधर है। अरे लेकिन जाला इधर है। अरे आप लोग डिसाइड कर लो नहीं तो मैं घर जाता हूँ। ए भाई घर मत जाना, घर मत जाना, अपने हिसाब से काम कर लेना भाई। हाँ, करो 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 जल्दी करो। ए, ये देखो बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रहे हो क्या अपने भारत नगर में साफ सफाई चल रही है? अरे कितने धूल उड़ रही है और कितने बार बोला है कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रुको हेलो फटाफट मास्क पहनो। चलो हेलो खुशी ये ले तू भी ले बेटा। हेलो जल्दी जल्दी फटाफट अवे पैरों और अरे खड़े क्यों है, साफ सफाई करवा मंडो। वही तो। लेकिन दिवाली आंटी इस साफ सफाई क्यों हो रही है? अरे खुशी अपने यहाँ पे गणपति बापा आ रहे हैं ना इसीलिए। अच्छा लेकिन गणेश जी आ रहे हैं तो पंडाल कहाँ पे? इस बार पंडाल वंडाल कुछ नहीं लगेगा, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ना इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने वाले हैं। हाँ इसलिए इस बार ना पंडाल लगेगा, ना कोई कॉम्पिटिशन होगी, ना डीजे बजेगा, काम पे लग जाओ। हेलो 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 जल्दी। अरे यार अब हम मस्ती कैसे करेंगे? विवान तुझे इस बात पे भी झटका लग रहा है? ये तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है ना। अरे नहीं नहीं, मुझे एक्साइटमेंट इस बात की है कि हमारे सोसाइटी वाले लोग कितने जागरूक हैं, कितना साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। बट मैंने तो सोचा था इस टाइम धूम मचा देंगे, इसलिए ना मैंने अपनी एक टी शर्ट भी बनवा ली थी जिसपे मैंने गणपति बापा मोरिया प्रिंट भी करवा लिया था, बट इस साल कुछ हो ही नहीं रहा। सैड मत हो सुतली, एक बार हम भी इको फ्रेंडली गणपति बनाएंगे, और वैसे भी भगवान पंडाल में नहीं हमारे दिल में रहते हैं।
विवान बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है। नो पंडाल और नो डांस कॉम्पिटिशन की न्यूज को पॉजिटिवली ले रहा है। मुझे लगता है ये सही समय है उसे नकाबपोश का सच बताने का। विवान, आज नकाबपोश का असली चेहरा दिखाने का सही समय आ गया है। दोस्त, एक बात ऑनेस्टली बताओगे? हाँ विवान, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताने आया हूँ, बट पहले तुम अपना सवाल पूछो। तो मैं ये पूछ रहा था कि अब टिम्मी आंटी तो है नहीं, तो तुम बोर हो रहे होंगे ना? बोर तो हो रहा हूँ, बट विवान, बुराई कभी भी वापस आ सकती है, इसलिए हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अलग अलग रूप में वो हमेशा हमारे सामने नई नई चुनौतियां लेकर आती रहती हैं। दोस्त, चाहे कोई भी रूप में लौट आए बुराई, हम उसका स्वागत फुल स्वैग से कर लेंगे। ओ भाई साहब, गटर में क्या झांक रहे हो? गिर गए ना तो सीधा समुद्र पहुंच जाओगे। वैसे आप रास्ता भटक गए हैं श्रीमान। अपना बोर्डम दूर करने के लिए झाड़ू उठाओ और हमारा सोसाइटी कंपाउंड साफ करने में मदद कर दो। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछली बातों को क्लियर करना जरूरी है। दोस्त, ये कोड वर्ड में बातें क्यों कर रहे हो? देबू भैया भी कह रहे थे कि उन्हें कुछ बताना है, और अब तुम भी कह रहे हो कि तुम्हें कुछ बताना। आखिर क्या बताना चाहते हो? बताना तो है, पर यहाँ पर नहीं। छोड़ दो मुझे। मजाक करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो सुनाओ कोई चुटकुला। छोड़ दो मुझे, वरना वरना क्या? वरना बालवीर आ जाएगा और तुम्हारी जान ले लेगा। बालवीर मुझे मारेगा? बहुत ही बढ़िया चुटकुला था, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारा चुटकुला पसंद नहीं आया। बालवीर को नया सबक पढ़ाने तो आया हूं मैं, बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं उसे। सो आर यू रेडी? यस दोस्त। विवान, तो बिना नाश्ता किए अपनी मॉम की हेल्प कराने निकल गया ना? नहीं नहीं मम्मी, मैं तो सोसाइटी वालों की हेल्प कर रहा हूँ, वो सोसाइटी क्लीन करने में, क्योंकि गणपति फेस्टिवल आ रहा है। बोलो नहीं, सुनो, मैंने कहा था ना हलवा खा लेना, नहीं खाया ना? अब बैठ इधर, रख इसे आराम से। हाँ माँ सितार, मुँह खोल। मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? पक्का? हाँ पक्का भर गया। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तू भारत नगर से कहीं भी बाहर मत जाना, ठीक है? हाँ ओके ओके। और हाँ हाँ, पानी पीते रहना थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ श्योर श्योर।
डेफिनेटली डेफिनेटली। दोस्त। वाह विवान, तुम तो बहुत लकी हो, माँ खुद तुम्हारे पीछे हलवा लेकर आ गई। बट दोस्त, आजकल मुझे लक और लव का ओवरडोज मिल रहा है। व्हाट डू यू मीन? आई मीन, पता है क्या हो रहा, जब से देव की मामा रहने नहीं दीदी मेरे नेक्स्ट डोर वाले घर में रहने आ गई है, मुझे दिन में दो बार ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, दो दो बार लंच करना पड़ता है, दो दो बार इवनिंग स्नैक खाने पड़ते हैं, दो दो बार डिनर करना पड़ता है। तो विवान, इसमें कंप्लेन करने वाली कौन सी बात है? दोस्त, मेरा दिल दो माओ का प्यार नहीं सकता है, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा पेट तो उतना बड़ा नहीं है ना। यू आर राइट, बट विवान, अब मैं भी तुम्हें डबल डोज देने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। किस चीज का डबल डोज? जल्दी ही पता चल जाएगा। सो आर यू रेडी? यस। विवान, विवान, मुझे देख के भाग का रहे हो? नहीं, वो तो मैं कोने कोने से कचरा साफ कर रहा था। पता है, श्वेत लोक में तो राज रसोईया सारा सामान लेकर आया करते थे, पर यहाँ धरती लोक पर तो मुझे खुद बाजार जाकर सामान लाना पड़ेगा। आने में देर हो जाएगी ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्वल्पाहार लेकर आई। स्वल्पाहार मतलब? अरे, धरती पे क्या कहते हैं? हाँ, ब्रेकफास्ट। चलो ये छोड़ो, आओ बैठो और पहले खा लो। अरे माँ, लेकिन अभी खाना पड़ेगा। मॉम, मैं बाद में खा लूंगा, अभी खा लेता हूँ, आपको मार्केट जाने के लिए देर हो रहा होगा ना। पक्का खा लोगे ना? हाँ, खा लूंगा खा लूंगा। और सुनो, गणपति की सजावट के लिए घर आ जाना। हाँ श्योर। ठीक है, और हाँ, पानी पीते रहना, ठीक है? हाँ हाँ श्योर। एक और बात, हाथ भी धोते रहूंगा। मेरा प्यारा बेटा। देखा दोस्त, मेरा पेट खाने से फुल हो गया, पर माइंड सीक्रेट से। मैं मम्मी को ये भी नहीं बता सकता कि देव की मम्मी मेरी असली बर्थ मॉम है, और ये भी नहीं बता सकता कि मैं बालवीर हूँ, और देबू भैया भी वंस अपॉन अ टाइम बालवीर हुआ करते थे। खैर, वैसे तुम कुछ बताने वाले थे मुझे, बताओ। हाँ विवान, विवान। अनन्या, उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। हाय विवान। हेलो हेलो। तुमने माँ को देखा? कौन सी वाली माँ? अरे हमारी वाली माँ, वो एक्चुअली अपना फोन लेके जाना भूल गई हैं। अच्छा, मॉम मॉम मार्केट गई हैं। ओ थैंक ब्रो, बाय। तू आ जा। दोस्त, अब तुम बता सकते हो, तुम क्या बता? लेकिन आई यू श्योर कि अब कोई भी नहीं आएगा? दादाजी, खुशी, पत्नी? हाँ हाँ ब्रो, रिलैक्स, कोई नहीं आएगा, बताओ। ओके, देन गेट रेडी। अभी तुमने कहा ना कि सीक्रेट्स के साथ जीना बहुत डिफिकल्ट होता है, वैसे ही मेरा भी एक सीक्रेट है। तो क्या दोस्त, तुम फाइनली अपना चेहरा दिखाने वाले हो? हाँ, क्योंकि तिमनासा के बाद हमारे पास फिलहाल कोई भी एनिमी नहीं है। अगर इस क्यूरियस कैट रिंकू ने नकाबपोश को देख लिया तो उसके क्वेश्चंस के आंसर देते देते बालवीर की वीरता खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। क्या करूं? ये विवान कहां गायब हो गया?
विवान। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुझे ही ढूंढ रहे थे। डोंट यू नो 20 मिनट में जर्म्स डबल हो जाते हैं, और अगर हमने जल्दी क्लीनिंग नहीं की ना तो जर्म्स और फैल जाएंगे। विवान तू तो कभी अपने काम से नहीं भागता, तो फिर आज भी टाल मटोल कर रहा है? अरे नहीं नहीं दीदी, वो तो मैं स्पीड की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं और भी लोगों को इंस्पायर कर सकूं, ताकि वो साफ सफाई करें, है ना? इस कंट्री में स्पीच देने वाले बहुत सारे लोग हैं विवान, लेकिन काम करने वाले कम, तो इसलिए हमारे साथ आ और हमारी हेल्प कर। हाँ मैं जरा एक मिनट में आता हूँ, जरा वो नहीं तुम चलो। विवान को मुंह दिखाने का तो औरत ही नहीं बन पा रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.